जय हिंद, वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नया नोटिफिकेशन है और 600 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। यहां पर कोई भी टेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके बगल में छोटी घंटी है उसको जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन है और 608 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, झारखंड सरकार की ओर से कार निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ये वैकेंसीज है। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे बताया गया कि राज्य की काराओं में कक्षपाल या फिर महिला कक्षपाल के रिक्त पद पर भूतपूर्व सैनिकों को संविदा के आधार पर नियुक्ति यहाँ पर किया जाएगा। तिथि स्थान यहाँ पे बताया गया है, जो भर्ती यहाँ पे होगी 8 से 4 बजे के बीच में होगी, सुबह 8 से शाम को 16 बजे तक। निम्नांकित किसी एक ही कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सभी वांछित कागजातों सहित आपको यहाँ पर उपस्थित होना होगा। यदि एक कार्यालय में नियुक्ति हेतु अयोग्य पाए जाते हैं तो दूसरे कारागार में आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटरव्यू कौन सी डेट का है, उसका डिटेल्स दिया गया है। जो पहला भर्ती का नोटिफिकेशन, जो पहली भर्ती है 21/6/2024 को होनी थी, हालांकि ये डेट यहाँ पर चली गई है, जिसमें कि इन जगहों पर भर्ती थी और यहाँ पर 135 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता थी। और आज जो बताई गई है, जिसमें 28/6/2024 को केंद्रीय कारा घागीडीहा जमशेदपुर में ये भर्ती है, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको यहाँ पे उपस्थित होना होगा। केंद्रीय कारा घागीडीहा जमशेदपुर 50 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। मंडल कारा चाईबास में 14, मंडल कारा सरायकेला में 24, मंडल कारा साक्ची में यहाँ पे कोई नहीं है और उपकारा घाटशिला में 8। तो टोटल 96 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है केंद्रीय कारा घिरीहीड और जमशेदपुर में। आज वहाँ पर आपको जाना है। अभी दूसरी जो भर्ती है, यह है लोक नारायण दूसरा जो लोकेशन है, यह है लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग, दिनांक 5 जुलाई 2024 को। यहाँ पर 241 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में 92 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, केंद्रीय कारा गिरीहीट में 15, मंडल कारा चास बोकारो में 23, मंडल कारा धनबाद में 26, मंडल कारा कोडरमा में 14, मंडल कारा चतका में 23, उपकारा तेनुघाट में 11, उपकारा रामगढ़ में 13, उपकारा बरही में 19 और आत्मसमर्पित नक्सली बंदी कारा हजारीबाग में 5। अगली जो भर्ती यहाँ पे हो, अगला जो वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे होगा वो हो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कोटवार रांची में 12 जुलाई 2024 को। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कोटवार रांची में 34 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, मंडल कारा लोहरदंगा में 19, मंडल कारा गुमदा में 23, मंडल कारा सिमडेह में 21 और उपकार खूंटी में कोई नहीं। तो यहाँ पर 97 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, जो कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कोटवार रांची में। अभी नेक्स्ट जो वॉक इन इंटरव्यू होगा, ये होगा केंद्रीय कारा मेदिनीनगर पलामू में 19 जुलाई 2024 को। और यहाँ पर केंद्रीय कारा मेदिनीनगर पलामू में यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, मंडल कारा लातेहार में 19 और मंडल कारा गढ़वा में 20, यानी कि टोटल 39 की आवश्यकता है यहाँ पर पूर्व सैनिकों को। 608 पूर्व सैनिकों की टोटल आवश्यकता है, जिसमें कि एक डेट तो निकल गई है, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन मैंने लेट से देखा तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु रिक्त संख्यों की जो टोटल संख्या यहाँ पे 647 है, जिसमें कि दोनों को यहाँ पे काउंट किया गया, जिसमें लेडीज़ के लिए भी है। यहाँ पद राज्य स्तरीय है, यहाँ नियुक्तियाँ 1 साल के लिए होगी, लेकिन यह अनुबंध बढ़ता रहेगा दोस्तों, विस्तारित किया जाएगा और चलता रहेगा, क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पर आवश्यकता है।
अब यहाँ पर सैलरी जो दी जाएगी आपको 20,000 रुपये दी जाएगी, उसके अलावा 8% हर साल बढ़ोतरी होगी आपकी तनख्वाह में प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा यहाँ पे कोई राशि नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर सेवानिवृत्त सैनिकों को अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुफ्त मुआवजे के आधार पर किया जाएगा। अनुबंध पर रखे गए इन कर्मियों को एक वर्ष में केवल 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, इस सैलरी के अलावा इन्हें यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, जो सैलरी है आपके नज़दीक है तो अच्छी बात है, आप वहाँ पर इतनी सैलरी में काम कर सकते हैं। तो साथ में यात्रा भत्ता और सरकारी ड्यूटी भत्ता भी यहाँ पर दिया जाएगा। और डिटेल्स यहाँ पे बताई गई, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 55 साल तक पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल तक आपकी एज उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1/1/2024 को। और यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। जो भूतपूर्व सैनिक पूर्व में सैनिक अस्पताल में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार कारा अस्पताल में सेवा ली जा सकती है। साथ ही ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कौशल अथवा योग्यता की जानकारी रखने वाले भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर है, डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वपता लिखित लिफाफा, यानी कि अपना खुद का पता लिखा हुआ लिफाफा होना आपको साथ में ले जाना है, जिसमें 45 रुपये का डाक टिकट लगा हो। एक स्व अभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में आपको चिपकाना होगा दोस्तों, यानी कि आपको वहां पर खुद साइन करना होगा उस फोटो में। 2 स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि एक तो चिपकाना है और 2 साथ में आपको रखने होंगे। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण केंद्रीय कारा अधीक्षक एवं कारा निरीक्षालय द्वारा नियुक्त प्रतिनियुक्ति सदस्यों के समक्ष की जाएगी। उक्त जाँच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी तरह का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। यह विज्ञापन, आवेदन प्रपत्र एवं घोषणा पत्र आप झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट www.jharkhand.gov.in पर भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों भर्ती, और यहाँ पर आपको जाना है, इससे संबंधित फॉर्म जो है ये आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कि आपको इस फॉर्म को ले जाना है जहाँ पर कि जिस डेट को मैंने बताया था वो इंटरव्यू का डेट है, और वहाँ पर आपको जाना होगा इस फॉर्म को ले जा करके। जो फोटो है एक तो यहाँ पर चिपकानी है, साथ में दूसरी 2 फोटो आपको अपने साथ अलग से ले जानी है, 2 आप ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, और साथ में जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं ये सब आपको साथ में ले जाने दोस्तों। तो ये था बिना परीक्षा के भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुलिस विभाग कारावास में भर्ती। अभी तक इतना ही। जय हिंद।